types of displacement time graphs, इसमें कौन कौन सा ग्राफ हमें स्टडी करना है बेसिकली, वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ देखोगे सबसे पहला ये जो ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पे, इसमें जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है, दूसरी तरफ टाइम है। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगा और एक्स एक्सिस में जो होगा वो टाइम का होगा। ठीक है, जो एक्सिस के देखो यहाँ पे क्या कैसे ड्रॉ करना है। अगर मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, तो टाइम का ग्राफ है। तो इसके पैरेलल अगर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये बिल्कुल पैरेलल है, इससे क्या पता लगता है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बतलाता है? इसका मतलब कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बॉडी जो है अपनी पोजीशन से चेंज नहीं कर रहा, जबकि इसकी टाइमिंग जो है हर पॉइंट पे इसकी टाइमिंग चेंज हो रही है। आप देखो यहाँ पे आपको साफ दिखेगा कि अगर मान लो यहाँ पे ये पोजीशन 2 सेकंड पे था, यहाँ पे मान लो ये 2 सेकंड पे था, फिर ये 4 सेकंड पे आया, ठीक है, फिर ये 6 सेकंड पे आया, फिर ये 8 सेकंड पे आया, अगर 2-2 सेकंड का इंटरवल ले रहा हूँ, फिर ये 10 सेकंड पे आया और इस तरह से ये 12 सेकंड पे आ गया। ठीक है, हर बार क्या किया मैंने 2-2 का इंटरवल ले रहा हूँ, मतलब 2 है ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है। तो टाइम क्या है, टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है। टाइम क्या हो रहा है, टाइम आपकी इस तरह से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे टाइम इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। लेकिन जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे जो पोजिशन है डिस्प्लेसमेंट की जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना। मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है और ए बी जो है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो यहाँ पे जो आपके पास चीज़ें देखने को मिल रही है, ये साफ पता लग रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपको तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में अगर टाइम लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो वेलोसिटी को बतला रहा है। तो ये वेलोसिटी के लिए आपके पास पहला ग्राफ जो कि यहाँ पे नंबर 1 पहला ग्राफ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसकी पोजीशन में चेंजेस नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्राफ नंबर 2, यहाँ पे दूसरा ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस ग्राफ में हमें क्या करना है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिड में लेके आता हूँ, बिल्कुल सेंटर में। इस ग्राफ में मैं एक ग्राफ कैसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ वो देखो आप। ठीक है, ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी कुछ स्लोप है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इसकी कुछ स्लोप है, ये स्ट्रेट लाइन में है और इसका कुछ स्लोप है। ठीक है, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, ओ ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ओ ए है और इंक्लाइन है टाइम एक्सिस के, टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइन है और एक स्ट्रेट स्लोप है, सिंगल स्लोप है ये। तो स्लोप यहाँ पे पहली बात, इससे पहले वाले में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे स्लोप आपका, स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0, स्लोप 0 नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसकी इंक्लाइनेशन है ही, तो इसलिए आप कह सकते हो कि इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। क्या होगा, ये एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज आप देख लो, ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा। और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे है, अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो यहाँ पे एक्सलेशन क्या होगी, एक्सलेशन 0 होगी। जी हाँ, एक्सलेशन यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। देखिए एक बात यहाँ पे आप समझ लो यहाँ पे कि कोई भी चीज कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का अगर वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन करते हो ना तभी वो एक्सलेशन को बतलाता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ पे अगर किसी का डिफरेंशिएशन किया जाए, मतलब कांस्टेंट टर्म्स है, मान लो कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे सी है, अगर किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन किया जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ, तो डिफरेंशिएशन मैंने आप लोग को बताया भी था, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 बताता है। तो इसलिए अगर वेलोसिटी यहाँ पे आपके लिए कांस्टेंट दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलेरेशन आपका 0 होगा। ठीक है, तो दूसरे वाले ग्राफ में इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट ग्राफ में क्या करना है।
यहां पे अब नेक्स्ट है हमारे लिए ग्राफ नंबर 3। और इस ग्राफ में हमेशा की तरह वाई एक्सिस में आप डिस्प्लेसमेंट लेते हो, तो डिस्प्लेसमेंट दिखा दिया वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में टाइम आप लेते हो, तो यहाँ पे आपने टाइम दिखा दिया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो ये इस तरह से एरो मार्क दे दिया कि इस तरफ इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और ये ग्राफ आपको कैसे ड्रॉ करना है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ का ड्रॉ कुछ इस तरह से, देखो एक कर्व शेप में इस तरह से हो रहा है, इस तरह से इसको ड्रॉ किया मैंने। और ये ओ है यहाँ पे और यहाँ पे ए, हर ग्राफ में इसी तरह से ओ और ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन निकालना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि देखो हर हर इंटरवल में, जैसे यहां से यहां तक का, शुरू में भले ही आपके पास देखा आपने, शुरू में यहां से यहां तक 3 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड में इसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर की हो, फिर अगले दो सेकंड में 3 मीटर की, फिर अगले 1 सेकंड में जो है उससे ज्यादा कवर किया, फिर अगले 1.5 और के बाद 1 सेकंड में और ज्यादा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इवन अगर आप टाइम इंटरवल भी सेम लोगे तो उस केस में भी जो डिस्प्लेसमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे मार्केबल बात जो है वो क्या क्या है। तो पहली चीज डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप भी नोट करते चले जाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग का सिंबल दे दिया मैंने, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो इन मैं यहां पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी बता देता हूं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो साफ बात है यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है, ओ ए का जो कर्व आप यहाँ पे देख रहे हो ग्राफ में, ठीक है, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का है, मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। वेलोसिटी कैसी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ठीक है। इसके कहने का मतलब हुआ एक्सलेटेड मोशन, बॉडी की जो मोशन होगी यहाँ पे वो एक्सलेटेड मोशन मानी जाएगी। एक्सलेटेड मोशन कब होता है, जब मान लो कि आप स्कूटी या अपनी कार ड्राइव करते हो और उसमें आप एक्सलेटर देते हो तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है, टाइम इंटरवल के ड्यूरेशन में हर बार वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखो, फॉर कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, अगर कॉन्स्टेंट एक्सलेशन होता है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ क्या होगा। For constant acceleration, ठीक है, displacement time graph जो होगा वो parabola होगा और bending होगा upward की तरफ। ये चीज हमेशा note कर लेना, for constant acceleration distance, your displacement time graph है, displacement टाइम ग्राफ इज पैराबोला, ठीक है, एंड बेंडिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ इस तरह से बेंड होता हुआ, ठीक है, पैराबोला एंड बेंडिंग अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ बेंड होता हुआ रहेगा, ठीक है। इस ग्राफ को इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, फिर से देख लो क्या क्या चीजें यहाँ पे है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन अगर हुआ तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो बेंडिंग होगा अपवर्ड की तरफ, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस तरह का ग्राफ देखने के साथ आप इसके बारे में ये सारी चीजें बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसको मैं यहाँ पे आपको अगला ग्राफ इसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसकी नंबरिंग मैं कर देता हूँ, नंबरिंग 4।
फोर नंबरिंग में इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे ये हो गया आपका नंबर फोर, और फोर नंबर के ग्राफ में क्या देखना है आपको, देखो यहाँ पे ग्राफ में कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। अब इसे भी हमें यहाँ पे हर पार्ट को इसको समझना पड़ेगा कि क्या क्या हमें इसमें देखना होगा, लेकिन इसको जैसे हमेशा ग्राफ में आप ओ और ए लिख लेते हो, तो ओ ए आप यहाँ पे मेंशन कर दो, और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इवन एक्स एक्सिस में टाइम। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए, दोनों आपने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब इससे देख के आपको क्या पता लग रहा है, इसको भी समझना है, यहाँ पे हमें क्या एनालिसिस कर पा रहे हो आप, तो एनालिसिस करने वाला जो पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हर पार्ट को अगर देखा जाए तो जो आप यहाँ देखो जो टाइम लिया होगा, एक टाइम इंटरवल, इस बार मैं प्रॉपर टाइम इंटरवल लेके आपको दिखाना चाहूँगा, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मान लो कि ये 2 सेकेंड का रहा होगा, ठीक है, एक टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का। उसके बाद यहाँ पे मैं 4 सेकेंड का दिखाता हूँ, बिल्कुल टाइम इंटरवल, प्रॉपर टाइम इंटरवल लेके दिखा रहा हूँ, और उसके बाद इस जगह पे 6 सेकेंड के लिए, फिर 8 सेकेंड के लिए, ठीक है, और फिर 10 सेकेंड के लिए, बस इतना काफ़ी होगा समझने के लिए, 10 सेकेंड के लिए। चलो एक और मैं ले लेता हूँ 12 सेकेंड के लिए। तो ये सबका मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये सब हमने दिखा दिया। अब क्या है यहाँ पे आप देखो, इसमें इसको अगर आप ज्वाइन करते हो, यहाँ पे इसको ज्वाइन करके देख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मान लो कि यहाँ पे आपने इसको लिख दिया कि ये 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की, तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर वाला देखोगे तो ये इसके गैप 5 मीटर का आप नहीं दिखा रहा होगा। अब इसको लग रहा होगा कि भाई 7 पे होगा, तो इसका मतलब टाइम इंटरवल तो वही है ना, 2 सेकेंड में ये इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया 2 मीटर का। इसके और ऊपर का देखो तो हो सकता है यहाँ पे ये जो है 8 का रहा हो, और ऊपर देख लो तो ये ऐसा लग रहा हो कि 8.5 का रहा हो यहाँ पे, है ना, 8.5 का। तो इस तरह से ऊपर इसका मतलब क्या है, ऊपर देख के पता लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 8.5 कंसीडर कर लूँ तो देख के साफ पता लग रहा है कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे 8.7 हो सकता है, यहाँ पे 8.7, और फिर 8.8 भी हो सकता है। तो लेकिन टाइम का इंटरवल वही है, टाइम 2 सेकेंड का इंटरवल को यहाँ पर हमने किया हुआ है, तो इसका मतलब जो सर्टेन टाइम इंटरवल है उसके ड्यूरेशन ड्यूरेबिलिटी में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, धीरे धीरे वहाँ पे रिड्यूस हो रही है, तो डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहोगे आप, इसको आप कह सकते हो डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, ये डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऊपर के ग्राफ से देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, इसकी वेलोसिटी जो है पहले वाले में, यहाँ पे आप क्या था, इसके पहले वाले में आप एक्सेलरेटेड था, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। इस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और वेलोसिटी टाइम के साथ अगर डिक्रीज हो रही है तो डी एक्सेलरेटेड मोशन को माना जाएगा, ये चीज आप समझ के चलो, डी एक्सेलरेटेड, ये डी एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और डी एक्सेलरेटेड मोशन, और आप ये भी समझ लो कि यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन जो होगा
और उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो भी पैराबोला होगा, लेकिन ये पैराबोला जो है इसकी बेंडिंग जो होगी वो डाउनवर्ड बेंडिंग होगी, है ना, बेंडिंग डाउनवर्ड, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसकी बेंडिंग जो होगी ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा, बहुत सारे ग्राफ आपको काम में आएगा, बेंडिंग ग्राफ ऑफ पैराबोला, पैराबोला वाली जो ग्राफ है जो बेंडिंग हुई है वो किस तरफ, वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ध्यान रखेंगे ये डाउनवर्ड, ठीक है, ये इस तरह से ये चल रहा है। तो जस्ट आपने इससे पहले का जो सिचुएशन देखा था उसके जस्ट अपोजिट ये सिचुएशन है, यहाँ पे आप देखो रेड वाले और व्हाइट वाले को कंपेयर करके देखोगे तो जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे ग्राफ इंक्रीजिंग था अपवर्ड था, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग है और डाउनवर्ड है, तो इस तरह का ग्राफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अगले ग्राफ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे चार ग्राफ अभी तक हमने देख लिया है, पांचवें ग्राफ की बात करेंगे, ये देखिए ये फिफ्थ ग्राफ है और इसका जो डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ग्राफ जो, ये देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसे हमेशा ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको कैसे लेना है ये देखो, तो इसको इस तरह से दिखा सकते हो। अब इस ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया इससे क्या पता लगता है कि क्या आपको समझ में आ रहा है इस ग्राफ से, आप जरा समझ के बताओ मुझे कि क्या लग रहा है कि इस ग्राफ को किस तरह से देखा जा रहा है। और ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ग्राफ में क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्या पॉसिबिलिटीज नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। तो एक बात तो यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है ना, ग्राफ क्या हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी की है वो निगेटिव है, टाइम जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है। वो कैसे देखोगे आप वो भी दिखा देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, देखो अभी जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था आपका, ध्यान से देखोगे आप ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे था, इस केस में आपका टाइम यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया तो डिस्प्लेसमेंट नीचे आ रहा है ना, उसके बाद देखो उसकी टाइम बढ़ती जा रही है, टाइम तो निगेटिव नहीं जाएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आया तो टाइम यहाँ पे, इस तरह से बार बार क्या हो रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट जो है नीचे की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट का पोर्शन अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब पहली बात कि डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो निगेटिव है पहली बात, ठीक है, और जबकि टाइम आपका क्या हो रहा है, टाइम तो इंक्रीज ही होगा, टाइम डिक्रीज होता है क्या, नहीं होगा, तो टाइम इंक्रीज के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी जो है अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ रहा है ना, बॉडी रिटर्निंग फ्रॉम पोजिशन ए, ठीक है, ये पॉइंट ए है, देख लो यहाँ पे ये बी है, ये बी है और ये सी पॉइंट है, ठीक है, बॉडी रिटर्निंग फ्रॉम पोजिशन ए मूव पास्ट द ओरिजिनल पोजिशन बी देन मूव्स टुवर्ड्स द विथ ए वेलोसिटी टुवर्ड्स सी विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये सारी चीजों को यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इंडिकेट्स दैट ठीक है, क्या इंडिकेट कर रहा है वो देख लो आप, द बॉडी रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी वापस लौट रही है ना, कहां से, रिटर्निंग फ्रॉम पोजीशन ए पोजिशन ए मूव्स पास्ट द ओरिजिनल पोजिशन बी मूव्स पास्ट द ओरिजिनल पोजिशन द
the original position. B. And then moves towards the C. And then moves towards the C with a uniform velocity. With a uniform velocity. तो ये देख लेंगे यहाँ पे कि आप इसको कैसे देखोगे. देखिए मान लो कि आपने डिस्प्लेसमेंट करके आप किसी पोजीशन पे ए पे पहले से ही थे. बात समझना, आप ए पे पहले से ही थे. आप धीरे धीरे क्या किया, आप टाइम बढ़ रहा है. आप मान लो कि ए मार्केट की पोजीशन रही होगी, आप मार्केट में थे. मान लो कि आप मार्केट में थे और मार्केट में थे तो उसके बाद आपने क्या किया, धीरे धीरे आप मार्केट से अपने घर पे आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने पोजीशन जो ओरिजिनल पोजीशन है. तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि रिटर्निंग फ्रॉम द पोजीशन ए, आप रिटर्न हो रहे हो पोजीशन ए से, रिटर्न हो रहे हैं. तो ये बात क्लियर है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया है. आप यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट देखो कि इट इंडिकेट्स दैट द बॉडी क्या हो रहा है, रिटर्निंग फ्रॉम पोजीशन ए, पोजीशन ए की तरफ लौट रहा है, रिटर्निंग ए से लौट रहा है. ए से लौट रहा है कहाँ पे, मूव्स पास्ट द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब बी की तरफ. बी जो उसका ओरिजिनल पोजीशन ओ था, ओरिजिन की तरफ. तो इस तरह से ये वापस हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आके इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है. उसके बाद अगर इस डिस्प्लेसमेंट से आगे वो जा रहा है, मतलब इस तरफ वो जा रहा है, इसका मतलब है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट अब निगेटिव में जा रही है. ठीक है, मान लो कि आप मार्केट में थे, मार्केट से आप घर आए, आपने कुछ सामान आपको खरीदना था और आप मार्केट में यहाँ पे आपको सामान नहीं मिला. ठीक है, आपको नहीं मिला तो आप क्या किया, आपने इसके आगे यहाँ पे मार्केट नहीं है तो आपके घर के दूसरी तरफ मार्केट है, दूसरी साइड में. तो आप अपने घर तक फिर से आपको वापस आना पड़ेगा और घर तक के पोजीशन पे वापस आने के बाद फिर से घर के दूसरी डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप गए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप चल पड़े वहाँ पे देखने के लिए कि वो सामान वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है. तो एक तरफ का जो पोजीशन माना जाएगा, एक तरफ की जो डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी वो पॉजिटिव मानी जाएगी. एक तरफ की डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव मानी जाएगी, क्योंकि देखो ये इसलिए भी यहाँ पे मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर की बात है. ओरिजिन देख रहे हो, उसके आगे की बात है, इसलिए यहाँ पे एक तरफ का पॉजिटिव मान रहे हो और ओरिजिन के नीचे का ये जो मान रहे हो आप, इसको निगेटिव मानना पड़ेगा. ठीक है, मतलब एक तरफ आप जिस तरफ भी आप पॉजिटिव ले रहे हो उसके दूसरी तरफ वाले के पोर्शन को आपको निगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के जो पांच ग्राफ है वो पांचों ग्राफ मैंने यहाँ पे करा दिए. इसके बाद आपके पास आता है देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप कैसे देखोगे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको क्या क्या देखना है. देखो यहाँ पे इसमें भी एक यहाँ पे जो ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, पहला ग्राफ का नेमिंग नंबरिंग मैं कर दूं. ठीक है, ये ग्राफ नंबर वन है और इसी तरह से ग्राफ नंबर टू की बात करेंगे. तो ग्राफ नंबर वन में आपको क्या देखना है, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पहले की तरह जैसे पिछली बार हमने किया था, तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं. देखो हमेशा की तरह, अब इसमें दूसरे वाले में इस तरह का ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों को फिर से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है. तो ऑब्वियस ही बात है कि इस तरफ क्या है, वाई एक्सिस में इस बार आपकी वेलोसिटी है. ठीक है, वाई एक्सिस में आपकी वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस में टाइम है. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम. ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम और ये ओरिजिन हो गया. अब यहां पे इस तरह से ग्राफ को फटाफट समझते चले जाएंगे. अब यहां पे देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, ऊपर नहीं जा रही ना, टाइम के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है. जैसे कि आप मान लो कि आप अपनी बाइक या स्कूटी आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप मूव करा रहे हो. बात समझना, आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला रहे हो और ये 40 किलोमीटर पर आवर जो है आपका एज इट इज ये ऐसे ही बना हुआ है. ठीक है, आपने इसमें कोई चेंजेस नहीं लाया, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब आप इस डायरेक्शन में जो चल रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यूनिफॉर्मली चल रही है.
ठीक है, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी के साथ आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट बनी हुई है। तो ठीक है, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल किसके है, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपका क्या हो गया, इस किसको बताएगा, तो इस तरह की स्पीड को हम लोग बताएंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ लो, ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। पहली बार ये आपकी हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हो गया। दूसरा, नेक्स्ट में आप क्या देख सकते हो, तो नेक्स्ट में आप ये समझ लो कि इसका स्लोप क्या है। तो इससे पहले भी आपने देखा था इसका स्लोप क्या है, जीरो स्लोप था, तो यहाँ पे भी इसका स्लोप, ये जो एक्सिस आप देख रहे हो इसका स्लोप क्या है, तो जीरो स्लोप है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप कह सकते हो जीरो स्लोप, स्लोप स्लोप इसका हो गया क्या, जीरो। और अगर स्लोप जीरो है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि स्लोप जीरो है तो इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो ये जो लाइन आप अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि ए और बी है यहाँ पे, तो ए बी जो ये दिखाएगा, ये लाइन जो पैलर है टाइम एक्सिस के, यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो तीसरा पॉइंट हमारे लिए ये बात हो गई कि इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हमारे लिए आ गया कि एक्सेलेरेशन भी इसका हमारा जीरो हो गया। ये ग्राफ पहला वाला इस सबको बताता है। नेक्स्ट वाले में ग्राफ देखो आप, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे देखो कि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी के बारे में आप बोलते हो कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ये चीज आप ये ध्यान रखना होगा कि वो ओरिजिन से चल रहा हो। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह लो या स्टार्ट फ्रॉम जीरो कह लो, कुछ भी कह लो आप, तो ये चीज आपकी यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो मूव अब कैसा मूव कर रहा है, तो ये मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको आप नोट करते जाओ, ग्राफ आपका क्लियर हो जाएगा। मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ चल रहा है, ये पॉइंट वन हो गया, ये पॉइंट टू हो गया। ठीक है, ग्राफ को देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है। इससे पहले भी हमने जो ग्राफ दिखाया उसी बेसिस पे मैं इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। इंक्लाइनेशन तो इसकी है, स्लोप इसका मतलब जीरो नहीं है, तो स्लोप कुछ ना कुछ है। तो जितना स्लोप ज्यादा होगा उतनी ही इसकी एक्सेलेरेशन जो होगी ज्यादा होगी। तो स्लोप अगर ज्यादा हुआ, ग्रेटर स्लोप, स्लोप ज्यादा हुआ तो उसी तरह से एक्सेलेरेशन भी इसकी क्या होगी, एक्सेलेरेशन भी ज्यादा होगी। मतलब आप समझ लो यहाँ पे इस बात को, कि यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे देखो, अगर ये इस तरह का हुआ तो इसकी स्लोप कम होगी इसके रिस्पेक्ट में, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में मान लो कि ये पी है, ठीक है, पहला वाला जो है इसको मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट पी है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये पॉइंट पी है। तो पी और यहाँ पे मान लो क्यू है, तो क्यू का स्लोप क्या है, स्लोप वाइज देखो तो क्यू का स्लोप कम है पी से, है ना। तो क्यू का स्लोप यहाँ पे आप लिख दो क्यू लेस देन पी, स्लोप वाइज मैं लिख रहा हूँ। और अगर आप एक और स्लोप अगर दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ये स्लोप, इसको मान लो अगर आर मान लेते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, तो आर का स्लोप क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा। तो आर का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एक्सेलेरेशन किसका होगा, ग्राफ देखने के साथ ही तो यहाँ पे आर ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन क्यू इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलेरेशन, मतलब स्लोप जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा एक्सेलेरेट होगा। तो देखो अब ये जो है नेक्स्ट थर्ड वाला फिगर, इसमें थर्ड वाले फिगर में मैं बताऊं कि इसमें क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है ये। सबसे पहली बात कि ये स्टार्ट जो भी है वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट नहीं हुई, इसकी मतलब इसका मतलब ये क्लियर है कि कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसकी रही होगी, इसका मतलब बॉडी स्टार्ट जीरो से नहीं हुआ होगा, ये बात आप क्लियर कर लो। बहुत बार जैसे क्वेश्चन में होता है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो यहाँ पे आप ये कंसीडर नहीं कर सकते बॉडी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो भी कंसीडर किया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि यह ग्राफ में आपको मेंशन होगा कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से बॉडी चलती हुई आ रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये चीज क्लियर है। उसके बाद
दूसरी चीज इसका स्लोप जो अभी हमने देखा था, इससे पहले वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ देखा था हमने, तो आपने देखा था यहाँ पे ये स्लोप क्या है, ये स्लोप बता रहा है कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी जो है कुछ ना कुछ सिंगल ग्राफ है, एक सिंगल ग्राफ से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है थर्ड वाले ग्राफ को, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसकी एक्सेलरेशन दिख रही है आपको, क्लियर है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है और वो भी इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, वो भी देखने वाली बात है क्योंकि वो क्या है, वो भी इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अपवर्ड जो ग्राफ है, ठीक है, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट है इसकी, एक तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये बॉडी की जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म तो है ही, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आप इसको यहाँ पे कहोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, इट यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए हो जाता है, तो ये ए और बी इस तरह से इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा जो ग्राफ है ये भी देखो, ये इंक्रीजिंग है कैसा, ये भी इंक्रीजिंग है, अगर यहाँ पे देखा जाए, आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा कि जैसे हमेशा यहाँ पे मैं बार बार बताता हूँ, यहाँ पे देखो इस तरह से इस ड्यूरेशन में जो वेलोसिटी थी वो कुछ और थी, टाइम थोड़ा सा जैसे ही चेंज हुआ तो इसमें वेलोसिटी देखो और इंक्रीज कर गई, और फिर टाइम देखो आप यहाँ पे तो वेलोसिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज कर गई है, तो वेलोसिटी रैंडम इंक्रीज कर गई बहुत ज़्यादा, तो रैंडम इंक्रीज हो रही है मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो यहाँ पे एक ह्यूज चेंज इन वेलोसिटी है, क्या है, ह्यूज चेंज इन वेलोसिटी, इस चीज़ को आपको देखना होगा यहाँ पे, ह्यूज चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज किस तरह का, इंक्रीजिंग, किस तरह का, इंक्रीजिंग, तो ह्यूज चेंज इन वेलोसिटी, और वो भी वेलोसिटी कैसी, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ये क्लियर है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है ना ये ग्राफ, येलो वाला जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, तो अपवर्ड बेंडिंग है, अपवर्ड बेंडिंग रिप्रेजेंट क्या करता है, इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन को, तो यहाँ पे मैं इस चीज को लिख देता हूँ कि अपवर्ड बेंडिंग रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, ठीक है, तो अपवर्ड बेंडिंग किसके लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन को बताता है। उसके बाद दूसरा ग्राफ, नेक्स्ट ग्राफ, ये ग्राफ नंबर अभी देखो आप, ग्राफ की नंबरिंग मैं बता रहा था, तो ये ग्राफ नंबर उस हिसाब से ग्राफ नंबर 4 है ये, जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इंक्रीजिंग का मामला था ये, उसी तरह से ग्राफ नंबर 5 देखते हैं, और ग्राफ नंबर 5 की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे करते हैं, तो चलिए, तो देखो ग्राफ नंबर 5 में हमें क्या समझना है, यहाँ पे जो पोजिशन है, बार बार अगर इसको देखा जाए तो जो टाइम के साथ इसमें क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है, टाइम के साथ क्या चेंजेस आ रहा है वो देखो, मान लो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं, तो इस समय में जितना वेलोसिटी इसने कवर किया उतने ही टाइम में अगली बार इसने थोड़ी सी वेलोसिटी कम कवर की, उतने ही टाइम में इसने वेलोसिटी और कम कवर की है, इस बार उतने ही टाइम में वेलोसिटी धीरे धीरे और डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इसकी लगातार क्या हो रही है, वेलोसिटी इसकी हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये चीज आपको समझना होगा यहाँ पे कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि बेंडिंग डाउनवर्ड ग्राफ है ये आप समझ लो, इससे पहले वाला जो ग्राफ था बेंडिंग अपवर्ड था, तो ये बेंडिंग डाउनवर्ड ग्राफ है, ठीक है ना, तो बेंडिंग डाउनवर्ड ग्राफ, और बेंडिंग डाउनवर्ड ग्राफ क्या बताता है, तो ये बताता है डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन को, डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन को ये बताएगा, तो बस इसमें देख के इंस्टेंटली आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो कि क्या बता रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ नंबर 6 में, ग्राफ नंबर 6 में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, क्या हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज होती हुई दिख रही है,
देखो अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखोगे उसके साथ वेलोसिटी देखोगे यहाँ पे, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज भी है, लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी डिक्रीज भी है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज भी है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। और देखो फिर इक्वल इंटरवल, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी जो है डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, क्या हो रही है हर इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद टाइम, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके वो देख लो, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखते जाओ, नंबर वन पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ। वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस हो रही है, ये सिंबल मैंने दे दिया यहां पे, इससे समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्मली विद टाइम, ये चीज को ध्यान रखेंगे, ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। उसके बाद आप देखोगे, और एक समय ऐसा आता है यहाँ पे जब आप पहुंच जाते हो तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। एंड इट फाइनली इट बिकम्स जीरो, फाइनली इट बिकम्स जीरो, ये जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे हमें देखना होगा। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री का मामला है। आप समझो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 90 है। तो अब इसका समझ लो कि ग्राफ क्या है, यहाँ पे ग्राफ का जो स्लोप है, ग्राफ का जो स्लोप है वो आप देखोगे तो वो निगेटिव होगी। ग्राफ की स्लोप क्या होगी, वो निगेटिव मिलेगी आपको देखने के लिए, निगेटिव स्लोप है। और यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सलेशन इसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सलेशन को। इस चीज को भी यहां पे लिख देता हूं मैं, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म निगेटिव एक्सलेशन, इसको ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ के बारे में हो गया क्वेश्चन, ग्राफ नंबर सिक्स। नेक्स्ट ग्राफ है ग्राफ नंबर सेवन। अब इसमें मैं एक ग्राफ फिर से आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूं, देख लो। और इसका ग्राफ नंबर सेवन मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। और इस ग्राफ में आपको क्या देखना है वो देखो आप, यहां पे फिर से y एक्सिस में वेलोसिटी और x एक्सिस में टाइम ले लिया हमने, ले लिया यहाँ पे, और दोनों तरफ ऊपर की तरफ एरो से रिप्रेजेंट कर दिया इसको। देखिए ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपको, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, तभी तो रिप्रेजेंट की बात करेंगे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये डिक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। इससे पहले वाले ग्राफ में भी हमने यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग देखा था, लेकिन ये निगेटिव भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो पहली बात ये है कि ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे भी जा रहा है, इससे साफ पता लगता है। देखो यहाँ पे क्या पता लगता है, इससे साफ पता लगता है कि यहाँ से कुछ वेलोसिटी आपने इसको दी है, यहाँ पे आपने क्या किया है, कुछ वेलोसिटी दी है। तो कुछ वेलोसिटी मान लो कि कोई एक बॉल है, एक बॉल को आपने यहाँ पे खड़ा हो आप, और अपने हाथ से इस बॉल को, थोड़ा सा बॉल बना देता हूँ मैं अच्छे से, मान लो यहाँ पे आपको मैंने खड़ा कर दिया और हाथ में एक बॉल दे दिया। तो बॉल को जब आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, तो जब ऊपर की तरफ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो देखो क्या होता है, ऐसे इस तरह से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, इसका मतलब यहाँ पे आपने इस बॉल को कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो दी होगी ना। तो आपने मान लो कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दी, यू वेलोसिटी दी, तो यहाँ पे आपने इसको यू वेलोसिटी दी, बॉल जैसे जैसे ऊपर जाएगा
इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जहां मैक्सिमम हाइट पे, मतलब ये मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे आ गया तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, बॉल उसके बाद फिर से वापस आना चाहेगा, अपनी फिर से नीचे की तरफ आना चाहेगा। जब नीचे की तरफ आना होगा तो इसका निगेटिव में चला जाएगा, मतलब कि इसका मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज होनी शुरू होगी ऊपर जाने के ड्यूरेशन में। एक बार जीरो होने के बाद है ना, वेलोसिटी निगेटिव में आनी शुरू होगी और इंक्रीज करेगी इसकी मैग्नीट्यूड। मतलब कहने का मतलब, अपने बॉल क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजिशन में आने की कोशिश करना शुरू कर देगा। मतलब ओरिजिनल पोजिशन में बॉल यहाँ पे फिर से आएगा, ठीक है, लेकिन ये जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे आने में पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सलेशन इसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सलेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इसका एग्जांपल है और ये भी समझ में आ गया यहाँ पे। इसके बाद जो वेलोसिटी जाएगी इस पॉइंट के बाद, जी हाँ, इस पॉइंट के बाद जो वेलोसिटी नीचे आप देख रहे हो, नीचे जो जा रही है, ये वेलोसिटी क्या हो रही है, ये वेलोसिटी निगेटिव में जा रही है। ठीक है, वेलोसिटी निगेटिव में जाएगी, और लेकिन इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब जिस वेलोसिटी से, मैग्नीट्यूड मतलब उसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद एक बार जैसे नीचे में आपने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दिया, यहाँ पे शुरू में दिया था तो उसमें स्पीड ज़्यादा थी, उसी तरह से मैक्सिमम हाइट के बाद जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला एक और ग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखना। और फिर से मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, और इस बार वेव फॉर्म का एक ग्राफ मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। देखना वेव फॉर्म का कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वो देख लो, ये कुछ ऐसा। ऐसा करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन ये 1, 2 और 3 इस तरह से मैंने दिखा दिया। ठीक है, और ये भी किसके लिए है, वेलोसिटी और टाइम के लिए है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ध्यान देना, ये वेलोसिटी और टाइम का ही ग्राफ है। और इसमें क्या दिखा रहा है कि वीटी ग्राफ जो वेरिएबल है, ये क्या बता रहा है, वेरिएबल है। इसमें देखो ऊपर की तरफ जो एरिया है वो पॉजिटिव है, बात समझना, ये जो एरिया ऊपर की तरफ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये एरिया हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, और नीचे की तरफ जो एरिया है वो निगेटिव में है। नीचे की तरफ वाला जो, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये एरिया क्या है, ये निगेटिव में है। फिर ऊपर की तरफ जो एरिया बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा, ऊपर की तरफ ये वाला एरिया जो बन रहा है ये पॉजिटिव में, ठीक है, और नीचे की तरफ जो एरिया होगा वो फिर से निगेटिव में, ये पॉजिटिव में हो गया, और नीचे की तरफ फिर से ये वाला जो एरिया बन जाएगा ये निगेटिव में, इस तरह से बनता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड हो रहा है उसको अगर आप देखोगे तो, अगर सिर्फ यहाँ पे बात कर लें, यहाँ पे देखो एक 1, 2, 3 और इतना तक, ये 4, 3 तक की ही बात करें अगर, तो यहाँ पे इसको ऐसे मैंने कर दिया, देखो तो यहाँ पे क्या होता है, देखना कि अगर पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना कवर्ड हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड की बात करोगे तो आप यहाँ पे दिखाना पड़ेगा आपको इस तरह से कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा एरिया वन, यहाँ पे आप दिखा दो अच्छे से कि भाई हर एक एरिया को लेना होगा आपको, तो एरिया 1, ठीक है, प्लस में था तो ये प्लस में रहेगा, एरिया 2 जो है ये वाला है ये माइनस में होगा, नीचे की तरफ है तो माइनस एरिया 2, ठीक है, और फिर ये एक थर्ड वाला है ऊपर में है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस एरिया 3, ठीक है, तो इस तरह से अगर आप निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस में सबको आप ऐड कर लेना, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव में तो ऐसे भी नहीं होगा,
तो डिस्टेंस में आप सबको ऐड कर लोगे, मतलब क्या एरिया वन, ये आपको निकालने कैसे निकाला जाता है उसके लिए मैं बता रहा था, एरिया वन प्लस एरिया टू प्लस एरिया थ्री, जी हाँ एरिया वन प्लस एरिया टू, ठीक है प्लस एरिया थ्री, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ओवरऑल मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे सिंपली ऐड करना होता है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगली क्लास में और भी टॉपिक पे मैं यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँगा आपके साथ, ठीक है।